गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग ये बात करने जा रहे हैं 11th फिजिकल केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट यानी मोल कॉन्सेप्ट ही अभी चल रहा है। ये मोल कॉन्सेप्ट ही चल रहा है और लेक्चर नंबर 15। इससे पिछले क्लास में हम इतना ही समझाए, जो 1 मोल कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम एसटीपी और एनटीपी, ध्यान दीजिए एसटीपी और एनटीपी पे 22.4 लीटर होता है। आज हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस क्या है ये अभी आपको नहीं समझाए हैं और यहाँ का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन हम इस गैस से इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल का बात करेंगे, क्योंकि इस आइडियल गैस इक्वेशन में n जो है नंबर ऑफ मोल है, तो इस कारण से ये जो है हम यहाँ बात कर रहे हैं। मतलब क्या समझे हम लोगों के अभी दिमाग में ये नहीं लाना है जो आइडियल गैस क्या है, ये इक्वेशन कैसे आ गया, कहाँ से आ गया। देखिए पढ़ाई सही माने में एक सीक्वेंस है, कहाँ क्या जरूरत है ये जो है टीचर लोगों को पता होता है, जो पढ़ाते हैं उनको पता होता है। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जो दिया गया जो कॉन्सेप्ट है उस बात से रिलेटेड पॉइंट आपको याद रख लेना है, बस इतना ही काम करना है, इतना के अलावा और कुछ नहीं करना है। तो उसी तरह से आपको हम समझा रहे हैं, जो जैसे ही आइडियल गैस कहा जाए तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब ये इक्वेशन मिल गया, यानी हम लोगों को जैसे ही आज के बाद कभी भी कहा जाए जो आइडियल गैस इक्वेशन या गैस इक्वेशन बताइए तो क्या कहेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, ये गैस का इक्वेशन ही है, इसीलिए पी फॉर प्रेशर ऑफ गैस, वी फॉर वॉल्यूम ऑफ गैस, टी टेम्परेचर इन कैल्विन, हमेशा हम लोग किस में लेंगे कैल्विन में लेंगे, और आर का नाम है मोलर गैस कांस्टेंट, या इसी को हम क्या कहेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैल्यू ऑफ आर, नाम ही है ये आर है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ही, जैसे ही एक इक्वेशन में है तो वैल्यू होगा ही। वैल्यू ऑफ आर डिपेंड इनडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस, मतलब आर का जो वैल्यू है चाहे हाइड्रोजन हो ऑक्सीजन हो, मतलब कोई भी गैस हो इसका वैल्यू कांस्टेंट होगा, ये इतना वैल्यू होगा। ये वैल्यू और भी यूनिट में होगा, लेकिन यहाँ जो मोल कॉन्सेप्ट है इसमें हम लोगों को इसी यूनिट में जरूरत है, इसलिए हम लोग ये यूनिट का बात किए। क्या समझे, जो आर का जो वैल्यू है और भी यूनिट में होता है अलग अलग, लेकिन अभी हम लोगों को मोल कॉन्सेप्ट में इसी का जरूरत है। एन क्या है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो हम लोग इस तरह से पी वी इक्वल टू एन आर टी में जितने भी टर्म है वे सभी का सभी टर्म हम लोग क्लियर कर लिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो अगेन ये नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए इतना फार्मूला, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल में एटम मॉलिक्यूल और आयन, डिवाइडेड बाय एनए जो सबसे पहले देखे, अगेन गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, दूसरा गिवन वॉल्यूम इन लीटर, जब लेंगे तो इतना से डिवाइड करेंगे। एटीएम इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, एटीएम क्या है, यूनिट है प्रेशर का। 1 एटीएम यदि कहा जाए तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी या 760 एमएम ऑफ एचजी या इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल इतना बार। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस टेम्परेचर इन केल्विन, यदि टेम्परेचर इन केल्विन में बात करें तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। यदि हमको एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालना हो तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल लेते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए।
चलिए देखिए सवाल, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ गैस एट 27 डिग्री सी एंड 2 एटीएम प्रेशर। इससे पहले भी हम लोग वॉल्यूम का बात किए और जैसे ही वॉल्यूम निकालना था तो हम फार्मूला अप्लाई कर देते थे या कॉन्सेप्ट से समझते थे जो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो इसीलिए जितना मोल रहता था वे बात करते थे। अब यहाँ पे क्या है, तो हमसे कहा जा रहा है वॉल्यूम निकालिए कितने मोल का, 2 मोल का, यानी मोल दे दिया गया, मोल ऑफ गैस दे दिया गया 2, टेम्परेचर दिया हुआ है टेम्परेचर 27 डिग्री सी। केमिस्ट्री में जैसे ही डिग्री सी हो उसको केल्विन में बदलें, तो 27 प्लस 2 73 यानी 300 केल्विन। प्रेशर 2 एटीएम। अब हम जानते हैं फार्मूला पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो इसीलिए जब वॉल्यूम निकालना है तो देखिए ध्यान से, भी बराबर कह सकते हैं एनआरटी अपॉन पी। क्या कारण है जो ये फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां जो प्रेशर है ये 2 एटीएम और टेम्परेचर है 300 केल्विन, और इससे पहले जो कंडीशन समझे वे टेम्परेचर 0 डिग्री सी और प्रेशर 1 एटीएम, एसटीपी और एनटीपी में यही न लिया गया था, तो यहां टेम्परेचर और प्रेशर अलग है इसीलिए इस फार्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब भी निकालना है, यानी हम लोगों को भी इक्वल टू व्हाट, तो एन नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 2 मोल, आर का वैल्यू दिया हुआ रहे या ना रहे इतना लेना है लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। समझ गए, ये फिक्स है, ये याद रखना पड़ेगा हम लोगों को। तो आर का वैल्यू अगेन टी 300 केल्विन और अगेन पी 2 एटीएम। तो इस तरह से जैसे ही आप पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये कैंसिल कीजिए, एटीएम से एटीएम कैंसिल हो गया, पर मोल यहां मोल कैंसिल हो गया, पर केल्विन केल्विन कैंसिल हो गया, देखिए क्या बच गया, लीटर जो कि वॉल्यूम का बिट है। अब ये डिजिट भी कैंसिल कर देते हैं, तो अब हम लोग यदि 0.0821 और मल्टीप्लाई कर देंगे 300, अब जो भी वैल्यू आप कैलकुलेट करते रहिएगा इतना लीटर आ गया, ठीक है। तो क्या समझे, क्यों इस फार्मूला का इस्तेमाल किए, ये बात पहले समझिए। यहाँ टेम्परेचर 300 केल्विन, प्रेशर 2 एटीएम, मतलब एसटीपी और एनटीपी का जो टेम्परेचर है वैसा टेम्परेचर प्रेशर नहीं है, इसलिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो देखिए ये आपको एचडब्ल्यू दे दिए, जैसा इससे पहले एग्जाम्पल दिए कॉन्सेप्ट समझाए। अब अगेन सवाल देखिए, इस सवाल को पहले आप लोग अपने से ट्राई कीजिए और इसके बाद हम बनाते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए तो, ठीक। चलिए अब देख लीजिए, व्हाट इज द टेम्परेचर, क्या पता करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है टी इक्वल टू व्हाट ऑफ गैस इफ 2 मोल, यानी मोल दे दिया गया, एन का वैल्यू दे दिया गया 2 मोल, गैस एग्जर्ट इतना एटीएम प्रेशर, और प्रेशर भी हम लोगों को दे दिया गया, तो ये 1.5 एटीएम। तो हम जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, देखिए ये 5 टर्म है, ये आर तो कांस्टेंट ही है, आर भी निकाला जा सकता है, लेकिन अभी आर के बारे में मत सोचिए आप लोग। तो अब 4 टर्म तो है, 4
फोर टर्म में से थ्री टर्म दिया हुआ रहेगा, एक टर्म नॉन करना रहेगा, तो क्या निकालना है? टेम्परेचर। तो हम कह दें टी बराबर पी वी अपॉन एन आर, फॉर्मूला बन गया। अब टी पी इक्वल टू कितना है हम लोगों को 1.5 एटीएम, फिर भी इक्वल टू कितना है, भी तो दिया ही हुआ नहीं है, तो देखिए सवाल इनकम्प्लीट हो गया ना। तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ गैस इफ 2 मोल ऑफ गैस एग्जर्ट इतना एटीएम प्रेशर हैविंग 2 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम कितना 2 लीटर, यानी भी नहीं दिया हुआ था, इनकम्प्लीट था, तो आप लोगों को इससे पहले तो बना भी नहीं होगा, तो भी हो गया। अब हम डायरेक्ट रख देते हैं इतना लीटर। एन कितना मोल है बाबू, 2 मोल, और ये आर को कहे रख जाइए 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। ठीक, तो अब यदि हम लोग इसको कैंसिल करें, ये देखिए यूनिट के साथ आपको हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर का फाइनली यूनिट केल्विन आ जाना चाहिए, और यदि यूनिट कैंसिलेशन के बाद केल्विन आ जा रहा है तो समझेंगे मेरे द्वारा बनाया गया सवाल क्या है, सही है। तो मोल कैंसिल, क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है, लीटर कैंसिल, एटीएम कैंसिल, देखिए तो सिर्फ केल्विन बच गया जो कि टेम्परेचर का यूनिट है। अब इस डिजिट को भी कैंसिल कर दीजिए, अब जो आप सॉल्यूशन करेंगे टी बराबर 1.0.0821 और हो गया इतना, सॉल्यूशन करने के बाद ये केल्विन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ये HW रहा, HW आप लोग बनाएंगे, जो प्रॉब्लम होगा सेंड करना है। ठीक है, तो हम लोग ये सवाल अगेन देखें, आपको लग रहा होगा जो इसी टाइप का है, हाँ टाइप वही है, थोड़ा सा इसमें कॉन्शस हो जाए जो क्या क्या हम बात करते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर, हमको क्या निकालना है, टेम्परेचर यानी टी इक्वल टू व्हाट ऑफ इतना एमएल गैस, एमएल जैसे ही जानते हैं तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम भी बराबर 200 एमएल, प्रेशर पी बराबर 7.6 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, और इतना ग्राम CH4, ये जो गैस है वे कौन सा गैस है, CH4, तो वेट ऑफ CH4 गैस इज इक्वल टू 64। तो हमको तो फाइंड करना है टेम्परेचर, तो देखिए कैसे बनाते हैं, पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो टी इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर लिख सकते हैं। पी यहां पे प्रेशर चाहिए, लेकिन हम आर का वैल्यू जानते हैं 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन होता है। यदि देखते रहिए ठीक से, यदि हम टेम्परेचर प्रेशर हम क्या करेंगे, इतना 7.6 सेंटीमीटर ऑफ एचजी रख दिए, ठीक देखते रहिए अभी नोट मत कीजिएगा, और वॉल्यूम हम 200 एमएल रख दिए, एन तो कहीं है ही नहीं, तो कहिएगा जो सर जी इसका एन हम निकाल सकते हैं, यानी हर हाल में ये एन मतलब नंबर ऑफ मोल रखना है, लेकिन यहां तो ये इतना ग्राम है, तो इस ग्राम को पहले हम मोल में कन्वर्ट कर लें, तो चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। मोल ऑफ CH4 इक्वल टू गिवन वेट 64 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट कितना 16, ये कैंसिल हो गया, यानी 4 टाइम्स में 4 मोल,
तो चलिए यहां हम कोर मोल रख दिए। अब आर का वैल्यू हम कितना जानते हैं, 0. इतना जानते हैं ना, तो ये जो आर है, आर 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये जो कहिएगा। अब देखते रहिए यहां पे, ये एटीएम प्रेशर का यूनिट है, और ये जो सीएमएचजी लगा हुआ है ये भी प्रेशर का यूनिट। तो एक ही इक्वेशन में यदि दो अलग अलग यूनिट हो तो वे बनाने का तरीका गलत माना जाता है। यहां प्रेशर का यूनिट एटीएम है और यहां प्रेशर का यूनिट सेंटीमीटर ऑफ एचजी है, तो ये ऐसा संभव नहीं है। दूसरा और गलती दिखा देते हैं, ये वॉल्यूम यानी 100-200 ml है और यहाँ वॉल्यूम का जो यूनिट है वे लीटर है, तो या तो एक इक्वेशन में लीटर में होना चाहिए या नहीं तो ml में। यहाँ तो लीटर और ml दोनों है, इसलिए इस तरह का रखना गलत माना जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या वे देखते रहिए। सबसे पहले इस सेंटीमीटर एचजी को हम बदल देंगे किसमें, एटीएम में। तो मेरे पास जगह बहुत कम है इसीलिए हम राइट साइड मिटा रहे हैं, यदि आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हम मिटाते हैं। तो हम सबसे पहले इसको बदलेंगे एटीएम में, हम जानते हैं 76 cm of Hg कहा जाए तो ये 1 atm के बराबर होगा, तो therefore 7.6, तो 1/76 और 7.6 यानी 0.1 atm। क्लियर हो गया। अगेन अब ये ml है तो इसको लीटर में बदलना पड़ेगा, तो सिंस 1000 ml इक्वल टू 1 liter, तो therefore कितने का बात करेंगे, तो 200 ml का बात करेंगे, 1 liter by 1000 ml into 200 ml, ml ml cancel, ये कट गया यानी 0.2 liter। अब हमको लीटर भी मिल गया, एटीएम भी मिल गया, अब तो पुट कर सकते हैं। क्या निकालना था हमको, टी निकालना था, तो हम पी भी बराबर क्या जानते हैं, एन आर टी, तो इसीलिए टी बराबर कहेंगे पी भी अपॉन एन आर, तो टी इक्वल टू पी भी अपॉन एन आर। तो पी प्रेशर, अब देखिए अब एटीएम में आ गया, 0.1 atm, वॉल्यूम 0.2 liter, और n का वैल्यू तो पहले से आपको हम बता दिए हैं 4 मोल, और ये r 0.0821 लीटर atm पर मोल पर केल्विन। देखिए अब सभी का सभी टर्म एक जैसा आ गया, तो यहाँ हम कह सकते हैं atm atm कैंसिल, लीटर लीटर कैंसिल, पर मोल कैंसिल। देखिए टेम्परेचर फाइंड करना है, फाइनली केल्विन बचा हुआ है, पर केल्विन तो ऊपर चला जाएगा। अब मैं अब न्यूमेरिकल डिलीट रहा, अपना गुणा भाग करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ये एच डब्ल्यू रहा, अगेन हम लोग इसी आइडियल गैस इक्वेशन पर अगले क्लास भी बात करेंगे इससे रिलेटेड। ये ऑब्जेक्टिव रहा, ये ऑब्जेक्टिव भेजना है जो कौन सा आंसर होगा, ये सब्जेक्टिव यदि नहीं बने तो ये भी भेजना है, नंबर जानते ही हैं 9995228484।